रहे हैं, हमारी बॉलिंग एक जगह बॉलिंग करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। पता नहीं उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है। पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे कि यार हमारा एग्रेशन क्यों लैक हो रहा है, हमें क्यों नहीं समझाया जा रहा है कि हमने फास्ट बॉलिंग इस तरह नहीं करनी। हमको नेट के फास्ट बॉलर नहीं है, हम टेस्ट मैच के फास्ट बॉलर हैं, और टेस्ट मैच के फास्ट बॉलर टेस्ट की तरह बॉलिंग करते हैं, वो टेस्ट करते हैं बैट्समैनों को। लेकिन मुझे कोई अगेन वो अग्रेशन की नाम की चीज नजर नहीं आई। ये हमारी क्रिकेट की जो औकात है ना, बांग्लादेश ने आज दिखा दिया। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, हैट्स ऑफ टू शादमान हुसैन, व्हाट अ बैटिंग ही हैज डन। इसने पाकिस्तानी बॉलर्स को टिकनी का नाच नचाया। इतनी बुरी बॉलिंग पाकिस्तान ने की है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मतलब के बुज दिलाना अप्रोच, फास्ट बॉलर की पेस मरी हुई है, स्विंग बॉल हो नहीं रहा है। इतना वो सुकून से खेल रहे थे, बांग्लादेश वाले तो ऐसे खेल रहे जैसे वो अपने घर के अंदर खेल रहे हो, इतने कंफर्टेबल। हमारे ऐसे जैसे हम जिसको कहते हैं ना बांग्लादेश के अंदर खेल रहे हो। लेकिन माजरत के साथ इस बॉलिंग लाइनअप में शाहीन शाह अफरीदी हैज बीन अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। ना कोई पेस है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई बाइट है, ना कोई वेनम है। आ रहे हैं, भाग रहे हैं, फेंक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा शाहीन शाह अफरीदी खेल भी क्यों रहे हैं। आप अवे मैच भी नहीं, होम खेल रहे हैं, और होम का एडवांटेज पाकिस्तान को बिल्कुल भी लेना नहीं आता, बिल्कुल भी। शाहीन इज अ विकेटलेस सो फार, वो अब नाम का ही शाहीन रह गया, काम का नहीं, तो सिर्फ नाम का शाहीन है, काम विकेट नहीं ली जा रही। ना मुझे स्लोवर नजर आए हैं, ना मुझे बाउंसर नजर आए हैं, ना मुझे कोई मेथड नजर आया जिसमें लगा यार कि ये इस पर ट्राई आउट करें। आके नॉकिंग कराई जा रहे हैं और कोई मेथड नजर नहीं आ रहा, कोई ट्राई आउट नजर नहीं आ रहा। नसीम शाह एक जैसे बॉलिंग करी जा रहे हैं और वहां पे बॉल फेंकी जा रहे हैं। अभी तक तो भाई जान हाल ही है शाहीन शाह अफरीदी टूथलेस है। पाकिस्तानी बॉलिंग इज बैडली एक्सपोज्ड, पाकिस्तानी स्किपर, मैनेजमेंट और पीसीबी का तो नाम लेना ही तोहीन है। बांग्लादेश इफ they would be able to draw this match, it would be equal to victory for them. Pakistani bowlers ko tikni ka naaj nachaya. Sir, ye kaisi green pitch hai? Color brand kar diya, sabko green pe laga diya. Ye hamari cricket ki jo aukaat hai na, Bangladesh ne aaj dikha diya. Main aapko honestly keh raha hu, hats off to Shadman Hussain, what a batting he has done. Theek out ho gaya Sony, he deserved a ton. Unblemished थी, खूबसूरत खेला, मजेदार खेला, चढ़ के खेला, डट के खेला। 93 रन 199 में, 93 अकेले क्यों, मतलब ऑलमोस्ट 50% रन इसके हैं। माजरत के साथ पाकिस्तान के धागे खोल दिए, जो सच्ची बात है पाकिस्तानी बॉलर्स की कली खोल दी। हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश रेजिलियंस, वेरी 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 वेल डन। यू एक्सपोज्ड पाकिस्तानी बॉलिंग क्लेम्स, यू एक्सपोज्ड गिलेस्पी एंड शान। अभी तक तो भाई जान हाल ही है शाहीन शाह अफरीदी टूथलेस है। पाकिस्तानी बॉलिंग इज बैडली एक्सपोज्ड, पाकिस्तानी स्किपर, मैनेजमेंट और पीसीबी का तो नाम लेना ही तोहीन है। 448 पे शान मसूद ने क्रिटिसिज्म आ गई हो रहा है, क्या जल्दी थी, अब पता लगा क्या जल्दी थी, तुमसे आउट ही नहीं हो रहे। ये तो खुदाइयां चूंगे में आखिरी बॉल पे विकेट आ गई, तुमसे तो विकेट ही नहीं लेने। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज की पहली गेंद, पाकिस्तान की जैसे बैटिंग अच्छी चली उस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल नाकाम हुई। पाकिस्तान के बड़े बॉलर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये दो बॉलर बुरे तरीके से फ्लॉप। नसीम शाह ने तो मरते मरते विकेट निकाली, लेकिन शाहीन अफरीदी एक विकेट भी निकालने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि बांग्लादेश टीम जो कि एक बड़ी टीम नहीं है, जिसके अंदर बड़े खिलाड़ी नहीं है, छोटी टीम है, वो पाकिस्तान के होम ग्राउंड में अगर खेल रही है, पाकिस्तान के वो बॉलर जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी ग्राउंड में खेला वो भी विकेट नहीं निकाल सकते थे, तो हम मैंने कर सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट किस स्टैंडर्ड पहुंच चुकी है। अगर खुदा नखास्ता पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया के साथ होती है, तो पाकिस्तानी बॉलर मरते मर जाएंगे, कोई विकेट नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि आज के मैच में जिस तरह नजर आया, एक साइडेड पाकिस्तान की बॉलिंग एक तरफ आ रही थी, शरीफ इस्लाम, लिटन दास, ये दो खिलाड़ियों की शानदार पार्टी चली। अगर आज का डे होता तो बांग्लादेश टीम बासानी टोटल चेस करके जीत सकती थी। पाकिस्तानी मीडिया शदीद बरहम का इजहार किया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जब से पाकिस्तानी टीम ओडीआई वर्ल्ड कप हारी है, उसके बाद से पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक मुकम्मल फ्लॉप हो गया। ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद दीगर छोटी छोटी सीरीज उसके अलावा जो चल रहा है टी20 वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान की बैटिंग तो चली, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग बुरे तरीके से फ्लॉप रही। और ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद से
पाकिस्तान के बॉलर अपने फॉर्म में नहीं आ रहे, बिलखसूस शाहीन अफरीदी, नसीम शाह। ये दो वो बॉलर हैं जो हर मैच में खेलते हैं, अपने आप को बड़ा बॉलर कहते हैं, लेकिन ये दो बॉलर बहुत ज्यादा स्कोर देते हैं। अगर आज के टेस्ट में हाई स्कोर होते तो पाकिस्तान टीम किसी भी सूरत आज का मैच नहीं जीत सकती थी। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि जिस तरह दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें बैटिंग के साथ साथ अपनी बॉलिंग पर इन्वेस्ट करती हैं, फिर क्रिकेट मैच जीतने की बड़ी ताकत होती है टीम की बॉलिंग, और अगर टीम की बॉलिंग कमजोर होगी तो वो टीम किसी भी सूरत मैच नहीं जीत सकती। तो शादमान बहुत अच्छा खेला, 90s में आउट हो गया, बोल्ड हो गया, लेकिन जिस तरह वो खेला बड़े दिल के साथ, तो उसने एक ओवर में दो दो चौके मारे सलमान अली आगा को, उसको अटैक्स ही हटवा दिया कि हाँ भाई साहब ये इन्होंने पार्ट टाइम बॉलर खिलाया है, स्पेशल स्पिनर नहीं खिलाया, तो वो अब हमें डोमिनेट करेगा। तो ठीक ठाक चौके मारे, फास्ट बॉलर्स को भी चौके मारे, उसने अच्छे खासे इनकी फेंटी लगाई और अच्छे स्ट्राइक रेट से वो करके गया। ये पिच जहां पे आपने पूरा दिन बैटिंग करके मजे से, सिर्फ आपके अगर दो खिलाड़ी आउट हुए तो व्हाट आर यू थिंकिंग, हां जी उनके सारे एक सेशन में लिटा देंगे आप। तो उन्होंने मजे मजे से बैटिंग करते हुए इनको लिटा दिया। बांग्लादेश इफ दे वुड बी एबल टू ड्रॉ दिस मैच, इट वुड बी इक्वल टू विक्ट्री फॉर देम। तो उनको पता है पाकिस्तान ने 450 रन बोर्ड में डाले हुए, तो बांग्लादेश ने ऐसे खेलना जिस तरीके से खेलना, बल्कि शादमान तो बहुत अच्छा खेल के गया, बेहतर खेल के गया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ना सिर्फ बांग्लादेश के रन बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का जो 450 है उसमें से भी कम होते जा रहे हैं रन, और वक्त भी गुजरता जा रहा है। अब टोटल बचे हैं 7 सेशन इन दिस टेस्ट मैच। बांग्लादेश अगर यहां से सेंसिबल पारी खेल जाता है तो दे वुड बी इन अ पोजिशन। आप अवे मैच भी नहीं, होम खेल रहे हैं, और होम का एडवांटेज पाकिस्तान को बिल्कुल भी लेना नहीं आता, बिल्कुल भी। शाहीन इज अ विकेट लेस सो फार, वो अब नाम का ही शाहीन रह गया, काम का नहीं, तो सिर्फ नाम का ही शाहीन है, काम विकेट नहीं ली जा रही, लेकिन शाहीन मैच ही नहीं कर पा रहा। तो होना तो यह चाहिए कि शाहीन ऊपर से आउट करे, वो ज्यादा आउट करे और बाकी जो बॉलर है वो उसके साथ दें। तो शाहीन इज विकेट लेस सो फार, उससे विकेट नहीं अभी तक ली जा सकी। आज तो सुला दिया बांग्लादेश ने, मतलब इतनी कोई स्लो बैटिंग, इतनी कोई स्लो बैटिंग। इंग्लैंड जब आपके पास आया था ऐसी विकेट्स थी, 3-0 आपको क्यों हरा के गया था, क्योंकि जब उनकी बैटिंग आती थी ना वो तेज रन कर देते थे और अपने बॉलर्स को एम्पल इनफ टाइम देते थे वो 20 विकेट लेने का। सो पाकिस्तान के पास वही मॉडस ऑपरेंडी दोहराने का, उसी स्ट्रेटेजी को रिपीट करने का, लेकिन माजरत के साथ इस बॉलिंग लाइनअप में शाहीन शाह अफरीदी हैज बीन अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। ना कोई पेस है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई बाइट है, ना कोई वेनम है, आ रहे हैं, भाग रहे हैं, फेंक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा शाहीन शाह अफरीदी खेल भी क्यों रहे हैं ये टेस्ट मैच। मुझे तो शाहीन शाह अफरीदी की वो जो कहते हैं ना एक जिप, वो जिप ही नजर नहीं आ रही। सो शाहीन शाह अफरीदी हो गए, बाबर हो गए, ये लग रहा है बैगेज लेकर आ रहे हैं अपने साथ। दे हैव ऑल दैट बैगेज दैट हैज बीन इन द रीसेंट पास्ट, और वो बैगेज अपने कंधों पे रख के इतना उसको वेट किया हुआ है अपने ऊपर, इतना वेटेज है उनके ऊपर कि उनसे वो नहीं हो रहा जिसके लिए वो मशहूर है या जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और इसीलिए आपको बिल्कुल वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो स्पार्क नहीं दिख रहा जो हमें शाहीन शाह अफरीदी, हम कहते हैं हमारे स्पेयर हेड फास्ट बॉलर हैं और उनके साथ जो हमारी फास्ट बॉलिंग चलती है इस वक्त, सॉरी टू से ही इज नॉट स्पेयरिंग हेड एट ऑल। इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी लग रहा है ऑटो पायलट मोड पे, आपकी आइडेंटिटी लॉस्ट है, वरना तो एक टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ ही बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने अपना स्वीट टाइम लिया, यू कैन नॉट कंप्लेन कि बांग्लादेश यहाँ सो गया, उन्होंने 30 ओवर में 60 रन, वो भी अपनी सर्वाइवल की क्रिकेट खेलने आया।